नमस्कार दोस्तों, आईपीएल 2020 में ऑलराउंडर के आधार पर कौन सी टीम है सबसे मजबूत उसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी बताऊंगा। लेकिन आप आईपीएल 2020 को पसंद करते हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब दोस्तों बात करते हैं कि आईपीएल 2020 की नीलामी हो चुकी है। गुरुवार को कोलकाता में हुई नीलामी में कुल 62 खिलाड़ियों को 8 फ्रेंचाइजियों ने खरीदा है और फ्रेंचाइजी के अलावा आईपीएल के 13वें सत्र के लिए अपनी टीम को पूरी तरह से तैयार कर लिया है। आज हम सभी 8 टीमों के ऑलराउंडर के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों कौन सी टीम ऑलराउंडर खिलाड़ियों के लिहाज से सबसे मजबूत नजर आ रही है? दोस्तों पहली टीम है मुंबई इंडियंस। मुंबई के पास पांड्या बंधुओं के रूप में T20 क्रिकेट के 2 विश्व स्तरीय ऑलराउंडर है। अगर मुंबई इंडियंस की टीम पिछले 5 से 6 साल में शानदार प्रदर्शन कर रही है तो इसमें इन दोनों की ऑलराउंडर खिलाड़ियों का बड़ा हाथ रहा है। इन दो भाइयों के अलावा टीम के पास किरण पोलार्ड जैसा अनुभवी विस्फोटक ऑलराउंडर भी है। साथ ही में शेफरन रदरफोर्ड, नेथन कुल्टर-नाइल जैसे ऑलराउंडर खिलाड़ियों को भी टीम ने अपने साथ जोड़ा है। मुंबई इंडियंस के पास भारत के जयंत यादव और अनुकूल रॉय जैसे भारत के उभरते हुए ऑलराउंडर भी है। शायद सभी आईपीएल टीमों में सबसे अच्छे ऑलराउंडर खिलाड़ी मुंबई इंडियंस के पास है। दूसरी टीम है कोलकाता नाइट राइडर्स। कोलकाता नाइट राइडर्स के पास T20 क्रिकेट का सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर आंद्रे रसल है। वह जहां अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से टीम को अकेले दम पर जीत दिलाने की काबिलियत रखते हैं, वही चतुराई के साथ गेंदबाजी भी करते हैं। सुनील नारायण के रूप में भी टीम के पास एक क्वालिटी ऑलराउंडर है। वही भारत के उभरते हुए ऑलराउंडर कमलेश नागरकोटे भी केकेआर के पास पहले से ही है। टीम के पास पैट कमिंस के रूप में भी एक विश्व स्तरीय ऑलराउंडर जुड़ गया है। दोस्तों तीसरी टीम है चेन्नई सुपर किंग्स। चेन्नई सुपर किंग्स के पास ड्वेन ब्रावो, रविंद्र जडेजा जैसे दो शानदार ऑलराउंडर है। यह दोनों ही खिलाड़ी बल्लेबाजी के साथ साथ गेंदबाजी से भी अच्छा मैच जिताने का दम रखते हैं। इन दोनों के अलावा मिचेल सेंटनर और कर्ण शर्मा जैसे दो शानदार स्पिनर ऑलराउंडर भी शामिल है। दोस्तों साथ ही में चेन्नई सुपर किंग्स ने नीलामी से इंग्लैंड के ऑलराउंडर सैम कुरैन को खरीदा है। इन सभी ऑलराउंडर खिलाड़ियों की मौजूदगी में चेन्नई एक बेहतर टीम नजर आ रही है। दोस्तों चौथी टीम है सनराइजर्स हैदराबाद। टीम के पास मोहम्मद नबी के रूप में T20 क्रिकेट का एक विश्व स्तरीय ऑलराउंडर मौजूद है। वही विजय शंकर के रूप में सनराइजर्स हैदराबाद के पास बहुत अच्छा भारतीय ऑलराउंडर मौजूद है। युवा ऑलराउंडर के रूप में टीम के पास अभिषेक शर्मा है। वही फैबियन एलन और मिचेल मार्स जैसे दो बड़े अच्छे ऑलराउंडर को हैदराबाद ने आईपीएल 2020 की नीलामी में अपनी टीम में शामिल किया है। दोस्तों पांचवी टीम है राजस्थान रॉयल्स। राजस्थान रॉयल्स के पास बेन स्टॉक जैसा विश्व स्तरीय ऑलराउंडर है। साथ ही में रियान पराग जैसा उभरता हुआ युवा भारतीय ऑलराउंडर भी उनके पास है। राहुल तेवतिया और महिपाल लोमरोर जैसे घरेलू क्रिकेटर दो ऑलराउंडर भी राजस्थान रॉयल्स के पास है। हालांकि राजस्थान रॉयल्स ने ऑलराउंडर खिलाड़ियों की टीम अन्य टीम से काफ़ी कमजोर नजर आ रही है। बेन स्टॉक के अलावा ऑलराउंडर खिलाड़ियों में और कोई भी बड़ा नाम नहीं दिख रहा है। छठी टीम है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। क्रिस मॉरिस जैसे विस्फोटक ऑलराउंडर खिलाड़ी को RCB ने IPL 2020 की नीलामी से काफ़ी महंगा खरीदा है और साथ ही में टीम के पास स्पिन ऑलराउंडर के रूप में दो काफ़ी अच्छे विकल्प हैं। मोइन अली और वॉशिंगटन सुंदर जैसे दो शानदार स्पिन ऑलराउंडर टीम के पास मौजूद है। वहीं पवन नेगी के रूप में भी IPL का एक अनुभवी ऑलराउंडर मौजूद है। दोस्तों सातवीं टीम है किंग्स इलेवन पंजाब। किंग्स इलेवन पंजाब के पास जिमी निशम, क्रिस जॉर्डन, हार्डस विलोजेन के रूप में तीन अच्छे विदेशी ऑलराउंडर मौजूद है। वहीं भारतीय ऑलराउंडर में टीम के पास है गौतम के रूप में एक विस्फोटक विकल्प मौजूद है। अर्शदीप सिंह और रवि बिश्नोई जैसे दो युवा ऑलराउंडर भी इस सीजन किंग्स इलेवन पंजाब के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। दोस्तों आठवीं टीम है दिल्ली कैपिटल्स। दिल्ली कैपिटल्स के पास भी अच्छे ऑलराउंडर खिलाड़ियों की फौज मौजूद है। टीम के पास भारतीय ऑलराउंडर के रूप में अक्षर पटेल, हर्षल पटेल जैसे खिलाड़ी है। वहीं कीमो पॉल जैसा ऑलराउंडर खिलाड़ी भी है। आईपीएल 2020 की नीलामी से भी दिल्ली कैपिटल्स ने ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर मार्कस टॉइनिस और इंग्लैंड के ऑलराउंडर क्रिस वॉक्स को खरीदा है। तो दोस्तों ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, क्योंकि मैं ऐसी आईपीएल की खबरें लेकर आता रहूंगा।